प्यारे दोस्तों और भाई और बहनों, सबको मिशन सीरियल की तरफ से वेलकम। आज की क्लास है एलसीएम, शॉर्टेस्ट ट्रिक्स लीस्ट टाइम, कम से कम समय और सबसे बेहतरीन ट्रिक्स। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है दोस्तों, एकदम आप देखने के साथ ही हो सकता है आपका आंसर निकल जाए अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जैसे आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मेहनत रंग लाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ आपको रंग भी जिंदगी ला के देगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एलसीएम शॉर्टेस्ट ट्रिक्स लीस्ट टाइम, सबसे कम समय, कम से कम समय और शॉर्टेस्ट ट्रिक है, जिसे कि आप एकदम तुरंत उसको देखने ही निकल सकते हैं। ओके देखिए, और आगे तो हम कहते हैं कि नो पेन पे पैर, और आगे और एक लाइन हमारे का साथ जुड़ता है कि कॉमन सेंस एंड ब्रेन कैलकुलेटर आज का। ओके, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे और ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, जिससे कि हम कम से कम समय और शॉर्टेस्ट ट्रिक्स में हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैथ के पेपर में बहुत कम टाइम रहता है, बहुत आसान तरीका है, एकदम ज़बरदस्त क्लास होने जा रहा है, एकदम शानदार तरीका जिसमें आपको अभी तक नहीं मिला होगा। ओके, आपको अभी तक नहीं मिला होगा। और अगर हम कहते हैं कि नॉर्मली नो पेन नो पेपर, ओके ये तो आपको पता है नो पेन नो पेपर, बट हम देखते हैं कितना देर तक हम पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये हम देख लेंगे कि कितने देर हम पेन पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि हाउ मच टाइम वी नीड पेन एंड पेपर टू कैलकुलेट एलसीएम, टू कैलकुलेट एलसीएम। चलो देखते हैं। तो हमारी बातें जो दो चार बातें आपको बता दें कि ब्रेन कैलकुलेटर, ये कॉमन सेंस थोड़ा सा हम इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये आपका जो लाइफ मंत्र है, ओके इसको आप भूलिए मत, बिकॉज इसके आधार पर जितने भी लोग हैं वो अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े कामयाब के स्टेज में पहुँचा है। तो आप भी अगर बहुत बड़े मुकाम में पहुँचना चाहते हो तो यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ये अपने उम्मीद के ऊपर विश्वास जताना, अपने जो एबिलिटी है, पावर है, स्टेमिना है, जो भी है, कहे आप जो भी कहे आप, इसको आपको अगर आपने बिलीव कर लिया तो आपकी ज़िंदगी चमक चुका है। ओके, देन योर लाइफ विल स्प्रिंग, ओके देन योर लाइफ विल बी ब्राइटेस्ट, योर लाइफ विल बी ब्राइटेस्ट, आप सितारे बन के भी चमक सकते हैं। तो ये जो IPS IAS देखते हैं, जितने बड़े बड़े आदमी देखते हैं, मौका में पूछा है, वो पहले अपनी उम्मीदों को विश्वास किया कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। शाहरुख खान सर का जो ये है एक मोटिवेशन वाला है, तो मरीन ड्राइव में बैठ के वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के सपने देखते थे। ओके, और APJ सर क्या कहा है पता है आपको, जो सपना है जो आपको सोने नहीं देते हैं, सपना वो है, द ड्रीम इज दैट विच कीप यू, विच कीप्स यू अलाइव, ड्रीम इज समथिंग दैट कीप्स यू अलाइव, दैट कीप्स यू अलाइव एसलीफ, जो आपको सोने नहीं देता है, जो आपको जगा के रखता है, जो आपको सोने नहीं देता है, जो आपको जगा के रखता है और आपको जिंदा रखता है। यस 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 यस, फैंटासी समझते हो, फैंटासी, यस आपके पास कुछ फैंटासी होना चाहिए। यस, मेरे पास कोई बड़ा बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, वगैरह वगैरह, ये तो मैंने बताया नहीं। और एक मोटिवेशन वाला वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आना चाहूँगा, बहुत जल्द बहुत जल्द। अगला मोटिवेशन वीडियो और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, और ज़बरदस्त होने वाला है। ओके, तो चलो ये जो उम्मीद है इसके साथ लेके हम शुरू करते हैं हमारे क्लास, देखते हैं कितना देर तक हम। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ होगा, या सीरीज में होगा या नॉन सीरीज में होगा। एलसीएम का जो श्रृंखला दिया रहेगा, जो नंबर्स दिए रहेंगे, वो नंबर या तो सीरीज में होगा या तो नॉन सीरीज में होगा। ओके, पहले सीरीज में क्या होगा, 2, 4, 8, 16, 32, मतलब एक के साथ दूसरा गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना। तो इसे दो गुना करोगे, इसे दो गुना, दो गुना, ए दो दो गुना, तो एक पर जो कॉमन सीरीज है इसको बोलते हैं कॉमन सीरीज। ओके, इसको बोलते कॉमन सीरीज, मतलब एक के साथ दूसरे का गुना करेगा तो ये जो ये इंक्रीजिंग इन सीरीज, इंक्रीजिंग इन सीरीज।
और ये देखिए इंक्रीजिंग नॉट इन सीरीज, ये है 4, 10, 15, 24, ये है नॉन सीरीज, अनकॉमन सीरीज, अनकॉमन सीरीज भी कह सकते हैं आप। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स है ये ज़्यादातर हमारे को यही मिलता है, ये नहीं मिलता है दोस्तों, ये आपको पता है कि हमारे को यही मिलता है। एग्जामिनर इतना सरल नहीं रहे हैं आजकल, और कंपटीशन जैसे बढ़ चुका है, और ऐसे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम लेवल है वो भी बढ़ चुका है। तो ये जो कंपटीटर जो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं वो अनकॉमन सीरीज ही देते हैं। ओके, तो अनकॉमन सीरीज देगा तो क्या करना है। अच्छा देखिए कॉमन सीरीज के बाद बता देता हूँ, ये कॉमन सीरीज होगा तो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका आंसर हो गया। ओके, वो आपका आंसर हो गया। अगर अनकॉमन सीरीज कॉमन सीरीज दे दिया तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका आंसर हो गया। जैसे कि ये 2 × 2 × करके बढ़ रहा है, ए इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ए इसका 2 गुना। तो ये है कॉमन सीरीज, ये है अनकॉमन सीरीज। जैसे दिखने के बाद पता लग रहा है कि ये एक दूसरे के गुना नहीं है, एक दूसरे के तीसरे के गुना नहीं है। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे बड़ा वाला को पकड़ना है। और पहले पहले क्या करना है, अगर जैसे पता लग गया कि हमारे जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें क्या रहेगा अनकॉमन सीरीज रहेगा, ऐसे उल्टा सुलटा नंबर रहेगा, तो उल्टा सुलटा नंबर रहेगा तो क्या करना है, सीधा देखना है कौन सा बड़ा है, उसी को पहले 2 गुना करना है। 2 गुना करके देखना है कि मनी मन में देख लेना है कि कितना होगा, 48 हो जाएगा। ओके, 48 हो जाएगा, तो ये ठीक है जो 48 हो जा रहा है। तो ये हमें पता लगा कि 24 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमें पता लग गया कि हमें अनकॉमन सीरीज ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24, 24 को पकड़ लो, उसको पहले 2 गुना कर लो, कितना होता है 48, 48 सब इसे कटेगा, इसे तो कट जाएगा, ये दोनों से नहीं कटेगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो दूसरा वाला नंबर ले लो, 24 3 से गुना करो बड़ा वाला नंबर को, नेक्स्ट नंबर से गुना करो, कितना हो गया 72 हो गया, 72 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 24 से 4 गुना कर लो, 96 15 से नहीं कटेगा, 24 को 5 गुना कर लो, 5 और 24 कितना है 120, कट जाएगा, 8 × 15 = 120, और 10 से तो कटेगा ही कटेगा। तो क्या कहा, हमारे एग्ज़ाम में अनकॉमन सीरीज आएगा, ऐसे उल्टा सुलटा सीरीज, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है, ढूंढ के उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे देखने के भी बाद ही आपको पता लगेगा कि 48 होता है नहीं, 72 नहीं, 96 नहीं, 96 नहीं, 120, यस 120 आंसर है। देखिए जैसे 4, 10, 15 और 24, तो हमें पता लग गया ये अनकॉमन सीरीज है और हमारे एग्जाम में अनकॉमन सीरीज ही आएगा। तो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर देख लेना है, उसी को 2 गुना कितना होता है 48, ओके 48, 15 से नहीं कटेगा, 72 15 से नहीं कटेगा, 96 96 15 से नहीं कटेगा, 5 24 120, यस। तो कितना टाइम लगा आपको बताओ, मनी मन में आपका हिसाब हो रहा है, आपका मनी मन में हिसाब हो रहा है दोस्तों। पेन पेपर चाहिए नहीं चाहिए, पेन पेपर चाहिए नहीं चाहिए। चलो ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पर कौन सा चीज़ यूज़ होने वाला है। तो अभी पहले हम 3 मैथ करेंगे सीरीज़ का और बाकी सारे नॉन कॉमन सीरीज़ के। ओके, देखिए ये क्या है, 2 है 4 है 8 है, तो इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना और 8 का 2 गुना 16, तो कॉमन सीरीज में आ गया। ओके, इंक्रीजिंग सीरीज बाय 2 टाइम्स, तो कितना है लास्ट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, तो एलसीएम कितना है 16 हो गया आपका, एलसीएम आपका 16 हो गया। ओके, तो कॉमन सीरीज में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही होगा आपका, 2 से गुना करोगे कम, मतलब ये कॉमन सीरीज समझ गया ना आप, 2 × 2 होता है, पहले तो 2 रहता है, फिर 2 × 2, फिर 2 × 4, 4 × 2 8, ओके 8 × 2 16, मतलब 2 से गुना करके करके आ रहा है, एक कॉमन सीरीज, ये हो गया आपका कॉमन सीरीज। चलिए और 2 मैथ है कॉमन सीरीज का, वो पहले देख लेते, फिर देखिए इसका 3 2 3 गुना 12 होता है, 12 को 2 गुना करेगा 24 होता है, ओके 24
चौबीस होता है, 12 को 2 गुना करेगा तो 24 होता है, और 24 को 2 गुना करेगा तो कितना होता है, 48 होता है। तो कितना हो गया आपका एलसीएम, कितना हो गया आपका एलसीएम 48, कितना हो गया आपका एलसीएम 48। कॉमन सीरीज में है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉमन सीरीज में है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो विश्वास यही रख सकते हो कि दोस्तों, तो ज़रा हमें पता लग गया कि 48 हमारा आंसर है। तो हम ज़रा नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके देख ले एक बार कि इसका आंसर 48 होता है या नहीं। कितना है, 4, 12, 24 और 40। ठीक है, देखिए 4 से कटोगे तो 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 12 होता है। ओके, और 3 से कटोगे तो 2 होता है, 4 होता है, 2 से कटोगे तो 2 होता है, 1 होता है। तो 2 दोनों 4 हो गया, 4 4 किया 12, और 12 गुना 4 कितना होता है, 48 हो गया आपका 48 आंसर। तो ये आप घर में बैठ के भी देख सकता है कि यस इसका आंसर सही बोल रहा है या नहीं, गलत बोल रहा है। ओके, तो चलो आगे दूसरा तीसरा मैथ देखते हैं। ये क्या है, इसका कितना गुना है, 3 16 48। ओके, और 48 × 2 96। तो सबसे बड़ा नंबर ये है, ये इसका ये 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो हो गया आपका आंसर 96। सबसे बड़ा नंबर जो है वो इसका क्या है, कॉमन सीरीज में आ रहा है, कॉमन सीरीज में आ रहा है, इंक्रीजिंग इन सीरीज। तो इनके नॉर्मली इंक्रीजिंग इन सीरीज ही रहेगा, या तो डिक्रीजिंग सीरीज ही रह सकता है, उल्टा सुलटा नंबर भी दिया रह सकता है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो जो बड़ा वाला नंबर है वो कॉमन सीरीज में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सपोज मान लीजिए आपका 96 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर इतना दिया है, तो हमें पता है कि इसका 1 गुना है और इसका यहाँ पर 3 गुना है, और ये है 2 गुना। हो गया, यह है 2 गुना, बात खत्म, बात खत्म। अगर आप वो भी नहीं चाहे, सब उल्टा सुलटा दिया है, तो इससे ये काटता है, इससे भी ये काटता है, मतलब यही बड़ा वाला जो नंबर है यही अच्छा, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ओके, यही हो गया आपका आंसर। चलिए, ये तो 3 था हमारा जो कॉमन सीरीज में पड़ता है, वो हमने देख लिया है कॉमन सीरीज का। अब ये देखते हैं ये नॉन कॉमन सीरीज में क्या आता है, अनकॉमन सीरीज, नॉट इन सीरीज। ओके, तो क्या है, इतना 12 है, 24 है, 12 है, 24 है, और 36 है। देखिए ये इसका 2 गुना है और ये इसका 3 गुना है, लेकिन इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, ये नॉन कॉमन सीरीज में आ गया, नॉन कॉमन सीरीज में आ गया आपका। ओके, नॉन कॉमन सीरीज में आ गया, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला लेना है। सपोज मान लीजिए ये ऐसा दिया हुआ है, पहले 36 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, उसके बाद 24 दिया है। ओके, उल्टा सुलटा करके दिया है, तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे बड़ा वाला को राउंड कर देना है शुरू में। ओके, बाकी क्या करना है, नॉन कॉमन सीरीज में आ गया तो बड़ा वाला को 2 गुना करना है, कितना हो गया, 72, 72 हो गया। अब 72 से कटेगा 6, और 24 से कटेगा 3 24, मतलब आपका 72 फर्स्ट वाला गुना जो है उसी से आपका आंसर निकल गया 72। तो इसका आंसर कितना हो गया, 72 आंसर। तो मैंने क्या बताया, हमें पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें एलसीएम आएगा तो नॉन कॉमन सीरीज में ही आएगा। तो सीधा हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है, उसको 2 गुना करके देखना है बाकी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बाकी से बाकी जितना बच रहा है उतने से वो कट रहा है। अगर कट गया राउंड फिगर में तो आपका आंसर वही हो गया जो गुना करके आपको मिला है, तो सबसे बड़ा वाला। ठीक है, ये एक मैथ कर दिया, एक मैथ तो समझाया आपको, और एक मैथ करता हूँ फिर आपको, और एक चीज़ बताता हूँ फिर उसमें आपको समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, एलसीएम 18 24 36। तो क्या है ये, लेकिन कोई कॉमन सीरीज में नहीं है, कॉमन सीरीज में नहीं है, तो हमें क्या करना है,
सबसे बड़ा वाला को राउंड कर देना है इमीडिएटली, और उसको 2 से गुना करने कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखिए 18 से कट रहा है 6, 24 से कट रहा है 3, तो मतलब आपका फिर से 72 आपका आंसर हो गया, फिर से आपका 72 से आंसर हो गया। कितना ईजी है बताइए। हमें पता है कि हमें नॉन कॉमन सीरीज ही मिलेगा, तो सीधा बड़ा वाला नंबर को 2 से गुना करना है, देखना बाकी वाला नंबर से कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, तो हो गया आपका आंसर वही वाला, पहला 2 से गुना करके जितना मिला। अगर 2 से गुना करके नहीं कट रहा है तो 3 से गुना, 3 से नहीं है तो 4 से गुना, 4 से नहीं है तो 5 से गुना, 5 से नहीं तो 6 से गुना। ओके अब देखिए एक मैं आपको और एक सरल सा ये बताता हूँ। ओके ये तो आपने समझ लिया। अब एक और एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ बिफोर वी फिनिश। 4, 12, 36 और हो गया आपका 108। देखिए ये किसका कितना गुना है, 3 गुना, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो मतलब इसे कट रहा है, मतलब सभी से कट रहा है, मतलब 108 हो गया आपका आंसर। सपोज मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका, यहाँ पर आपका दिया है 144, ठीक है 144, तो क्या हो गया, ये इसका 3 गुना है, तो मान लीजिए यहाँ पर 44 144 है, तो 36 का कितना गुना है, 4 गुना होगा, जैसे 36 दोनों हैं 72 हो गया, 72 का डबल होगा 144, तो 4 गुना हो गया। तो देखिए सभी से कट रहा है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे तब इंक्रीजिंग इन नंबर टाइम्स ऑफ, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 4 गुना है, तो 4 गुना हो या 6 गुना हो, जैसे कि बारी बारी से बढ़ रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ओके यही हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया, तो एक सीरीज सीरीज वाला, ये तो वो हो गया आपका सीरीज वाला, अनकॉमन सीरीज, नॉन कॉमन सीरीज, नॉट इन सीरीज। ओके ऐसा है जैसे कि 5, 12, 15, 24, 30, ये हो गया आपका। अभी ये तो कोई सा भी सीरीज में नहीं है, कोई सा भी सीरीज में नहीं, तो हमारा एक सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, जो सबसे बड़ा वाला है उसको पकड़ो, उसको पहले 2 गुना कर दो, 60 हो गया, 24 से कटेगा नहीं, ये तो बाकी से कटेगा तो, लेकिन 24 से कटेगा नहीं। ओके फिर से इसको 2 गुना कर दो, सॉरी तो 60 हो गया, 90 हो गया, 90 24 से कटेगा नहीं कटेगा, अभी मनी मनी में कर रहा है, मनी मनी में हो रहा है। ओके ये 3 से गुना करेगा किया तो 90 हो गया, 4 से गुना करेगा तो कितना हो गया, 120 हो गया, 120 सभी से कट रहा है, इससे कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और 24, 5, 24, 120, 5, 24, 120, और ये तो गुना किया ही है हमने, 30 से गुना करके ही तो 120 मिला है हमें। दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान शानदार तरीका है, बहुत ही आसान शानदार तरीका है, ज़बरदस्त, मैंने बोला था ना कि आपको जो ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, एलसीएम का ज़बरदस्त ट्रिक, ज़बरदस्त क्लास, इसी में हमें निकाल देना है बाकी जो एलसीएम का चैप्टर है। एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात नहीं कर रहा मैं, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एलसीएम नॉट एचसीएफ। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट इन योर माइंड, यू कैन कैलकुलेट इन योर माइंड, हाउ यू हैव टू सी विच वन इज बिगेस्ट नंबर, देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाई 2, 3, 4, 5 एंड सी बाई द रेस्ट ऑफ द नंबर्स वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट, वेदर द मल्टीपल इज डिविजिबल और नॉट बाई द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। इट इज कैलकुलेटेड बाई माइंड ओनली, दिस नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। Okay, so I hope you understand, you guys understand the matters and what is tricks and the method of calculating the LCM, LCM, LCM. दोस्तों हम ये स्कूल में क्या करते हैं, ये करते हैं, ये जो आप करते हो, यही करने के लिए आपका बहुत टाइम निकल जाता है। ओके ये करने के लिए आपका टाइम निकल जाता है, एक एक सेकंड इसी में निकल जाता है आपका,
तो हमें वही जहाँ पर ये 5 सेकंड में हमें ये जो जगह तक यहाँ तक आएंगे ना, हम तो ऐसे करते हैं, तो वो करते करते लेकिन हमारा जो मैथ ही खत्म हो जाएगा जब तक हम ये लिखेंगे, तब तक हमारा मैथ खत्म हो चुका होगा। और हम तो माइंड में कैलकुलेट कर, यहाँ पे तो आपको पेन पेपर की ज़रूरत है, हम तो माइंड में कर रहे हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? देखिए दूसरा ये है छठा नंबर, ओके। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? मिडिल में है सबसे बड़ा नंबर, ओके। और दिखा रहे आपको, दिख ही रहे कि ये अनकॉमन सीरीज है, कॉमन सीरीज में नहीं है। तो क्या करना है, पहले 2 से गुना करेगा, 36 होता है, नहीं कटेगा 15 से, ओके। 36 और 3, 3 से गुना करेगा कितना आता है, 54 होता है, वो भी नहीं आएगा। फिर से 4 से गुना करेगा तो 4 18 कितना होता है, 4 18 72, वो भी 15 से नहीं कटेगा। अब 5 से गुना करेगा तो कितना होता है, 90, 90, 90 को ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 6 15, 6 15 90, और 9 9 9 2 10 90, 6 15 90 हो गया आपका, इससे तो कटेगा, और जो 0 0 आ गया कट कट गया, 90 बाई 10, यही तो मैं बोल रहा हूँ, 90 बाई 10 ही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बोला कितना, सबसे बड़ा वाला नंबर, जैसे आपको पता है, फिर से बता दूँ मैं आपको कि आपके जो एलसीएम वाला चैप्टर है, जो मैथ की बारी आती है, वहाँ पर ऐसे ही नॉन कॉमन सीरीज देगा, अनकॉमन सीरीज जो भी आप बोले। तो सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढिए, ओके। सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढिए, उसे 1 से 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, ये तो 1 सेकंड की बात है, मनी मन में गुना हो जाता है उसका, मनी मन में आपका गुना हो जाता है और मनी मन में आपका भाग हो जाता है, आपको देखने से ही पता लगता है कि यस ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। आपको मनी 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 मन में आपको संकेत मिलेगा, इशारा मिलेगा कि ये भाग नहीं जाएगा, ओके। तो कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया सबसे बड़ा वाला नंबर हो गया 18, 18 से 5 गुना 90, 90 से बाकी दोनों से कटोगे तो कट जाएगा। सो हमारा आंसर कितना होता है, 90 हमारा आंसर हो जाता है, 90 हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 12, 30 एंड 45, 12, 30 एंड 45। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है, 45, 45 को कितना करके गुना करोगे तो 90, 2 से गुना करोगे तो कितना होता है, 90, ओके। तो 90 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो 3 से कटोगे तो कितना हो जाएगा, 135, 3 से गुना करोगे तो 135 हो जाएगा, लेकिन 135 भी नहीं कटने वाला है, 12 से नहीं कटेगा, ओके। 12 से 30 से भी नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना है, हमें 4 से गुना करना है, 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूने 90, 90 दूने कितना हो गया, 180। 12 से कटोगे तो 15 होता है, 12 से कटोगे तो 15 होता है, 30 से तो कटेगा ही कटेगा, 30 से तो कटेगा ही कटेगा, ये 0 0 निकल गया, 6 हो गया, 12 से कटोगे तो 15 होता है, ये आप याद कर लीजिए, 12 से कटता है तो 15 होता है, क्योंकि 180 और 12 और 15 का काफ़ी बार हमें गुना करना होता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 बार हो जाएगा, जहाँ पर आपको 12 और 15 से गुना करके 180 बनाना पड़ता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 12 15 गुना से 80 होता है। तो देखिए ये जो सबसे आसान तरीका क्या बताया मैंने, सबसे बड़ा वाला को पकड़ो, 2 से गुना करो, नहीं हो रहा है 3 से गुना करो, 4 से गुना करो, पक्का 5 में के बाद पक्का पक्का आपका आंसर मिलने वाला होगा, ओके। पक्का पक्का ही आपका आंसर मिलने वाला होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाला मैथ है दोस्तों, हमने करीब खत्म खत्म की बारी पे आ चुके हैं। देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, कोई कॉमन सीरीज नहीं है, जैसे पता है आपको कॉमन सीरीज नहीं मिलने वाला है, तो इसको 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, दोनों से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर 150 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, देखिए कितना आसान तरीका है, हमने बड़ा वाला को पकड़े और 2 से गुना किया, 150 गुना, बाकी दोनों से कट रहा है, मतलब आपका आंसर
यही पर आपका आंसर यही पर खत्म होता है। ओके, जैसे कि आप कैसे बैठाते, कैसे हम बैठाते नॉर्मली स्कूल में, ऐसा है ठीक है कि नहीं? पहले पाँच से कटा, ओके, पाँच से कटेगा तो 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर से और एक कितना 3 से कटना पड़ेगा। ये जो कितना कटना है, कितना बैठाना है, कितना बैठाने के बाद कितना रहेगा, ओके, ये करते करते ही तो हमारा ख़त्म हो जाएगा टाइम। ये जितना सोचेंगे जब तक, तो अब तक आपका आंसर ख़त्म हो चुका होगा। ये जब तक ये लाइन आएंगे ना, आप ये यहाँ पर ये बैठाएंगे, हम मुझे लगता है यहाँ पर जो बैठाओगे ना, बैठाओगे ये बैठाने बैठाने टाइम पे आपको मैथ ख़त्म हो जाता है। हिसाब करके देखिए, आप घर पे बैठे हिसाब करके देखिए कि एक बार आप बैठा के, इसको बैठा के यहाँ तक बैठाइए, देखिए कितना टाइम लगता है। और वहाँ कैलकुलेशन करके देखिए सीधा, जो मैंने हिसाब बताया आपको वहाँ पर कितना टाइम लगता है। दोस्तों, इससे आसान तरीका, बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आसान और बढ़िया तरीका हमारे साथ रहोगे तो हम ऐसे बिना पेन और पेपर के आपके मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे। दोस्तों, तो आज 8 नंबर का जो मैथ है उसी से हम ख़त्म करना चाहते हैं। आपको जो समझाने था वो हमने समझा दिया है। ओके, ये बहुत ही शानदार ट्रिक्स है जो आपको एकदम सबसे कम से कम समय और एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको देखने से, यार आपको ये मतलब आप मान के चलिए 99% केस में होगा, जैसे उल्टा सुलटा नंबर दे देगा। ओके, 99.99% सोच लीजिए कि आपको ऐसे उल्टा सुलटा नंबर दे देगा एलसीएम के लिए। और सबसे बड़ा नंबर आप कौन सा है वो तो आपको दिमाग ही बता देगा कि कौन सा बड़ा नंबर है। उसे 2 से गुणा करके देखो, बाकी वाला से कोई सा ना कोई सा भी एक कमॉन नंबर होगा, 2, 3, 4, 5। ओके, अगले वाला सीरीज में हम ऐसे इसे भी थोड़ा टफ लेके आएंगे, एडवांस वाला, सो दैट आपको जो ये जो ट्रिक्स है जो समझाया है हमने वो आपको और बेहतरीन तरीके से समझा पाए और आप समझ जाए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो शानदार तरीके से आप निकाल लें। ओके, और चलते चलते आपको एक सूचना दे दें कि जैसे आप मिशन सीजियल देख रहे हो, ओके, मिशन सीजियल देख रहे हो, वैसे ड्रीम WBCS भी और एक चैनल है, सेम सेम चीज़ों के लिए। ओके, जो बंगाल का सिविल सर्विस के रिलेटेड है, ओके, वो भी सीजीएल के प्रिपरेशन है, BNPO और NTPC RRB वगैरह वगैरह, इसके प्रिपरेशन भी हमारा है, उसमें सेम चीज़ रहता है, बट लैंग्वेज का डिफरेंस है, ओनली बंगाली है वहाँ पर, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी है, वहाँ पर बंगाली एंड इंग्लिश है, मटेरियल सेम है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही आपको देखने से ही आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर इसका एक दूसरे का लिंक हम ऑल्टरनेट चैनल में दे देते हैं नॉर्मली पे, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा एंड इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर वे। और इफ़ यू टेल मी दैट, इफ़ यू कमेंट्स मी दैट यू वांट इट इज़ टू बी इन इंग्लिश, सो वी कैन फॉलो इन इंग्लिश ऑल्सो एज पर योर डिमांड्स। ओके, देर विल बी अनदर चैनल इन फ्यू मंथ्स दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश चैनल टोटली, whether it's math, whether it is science, whether it is whatever you like, we'll continue with the math classes too. If we can do in math class, so other GS subject we also will start very soon, as you wish. Okay, तो आज यहाँ तक ही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्रिप्शन के लिए आपका रहा चॉइस। ओके, थैंक यू, थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।